लास्ट टाइम कुछ चीज़ें रह गई थी हमारे पास, पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने ऑपरेशंस और मैट्रिसेस। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो भी तक हम कर चुके हैं लास्ट कॉन्सेप्ट्स में, तो एक चीज़ तो ये, अगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डायगनल 1, 2, 3, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। डायगनल मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं, रेफर करें पिछली स्लाइड में। ये एक डायगनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहीं से डिफाइन हो रहा है, इट इज़ ऑर्डर 3। स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर क्या हो गया, 3 बाय 3, और ये इसके डायगनल एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 0 0, 0 2 0 एंड 0 0 3। इट इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड हैविंग द डायगनल एलिमेंट्स एज 1 2 एंड 3, करेक्ट। नेक्स्ट ये चीज़ जो रह गई थी, अगर हमारे पास लिखा हुआ है I1, I1 इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, I2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 2, एंड I3 मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हमारा पता है जहाँ पे कि डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो एक चीज़ और, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स रखा है ए ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ऑफ ऑर्डर 3 बाय 3, और मैं इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो उसका ऑर्डर भी डेफिनेटली 3 बाय 3 होगा, सेम ऑर्डर होगा, ठीक है, I1 I2 I3। सो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ ऑफ ऑर्डर 3। नाउ अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, माई रिजल्ट विल रिमेन सेम, इट विल गिव मी सेम मैट्रिक्स, राइट। जैसे कि हम रियल नंबर्स में करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं मैट्रिक्स कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, अभी एक नंबर कंसिडर कर रहा हूँ 2। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, वही एलिमेंट आ जाए, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, 1। मैट्रिक्स में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया, मैट्रिक्स आई, करेक्ट। थर्ड, अभी हम डायगनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डायगनल एलिमेंट्स को, डायगनल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं अभी यहाँ पे। तो अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है डायगनल मैट्रिक्स ए, और मैंने इसे डिस्कस किया, मैंने इसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 1 2 3, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूँगा, दैट मीन्स ए इंटू ए, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है अभी आगे समझाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास एक डायगनल एलिमेंट आएगा, डायगनल मैट्रिक्स आएगा जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर हो जाएंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अगर मुझे इस डायगनल एलिमेंट का क्यूब करना है, तो मेरे पास जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी वो एक डायगनल मैट्रिक्स आएगी, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब। इसे हम करके भी देखेंगे, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पार्ट, इट वॉज लेफ्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओके। अब हम देख रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला तो है एडिशन, हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एडिशन के लिए ये ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेट अस से ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर। अगर ये एक मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर, लेट अस से इसका नाम दिया हुआ है, इसे मैं लिख लेता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है ए, और इसके एलिमेंट है ए आई जे, इसका ऑर्डर है 3 बाय 2। तो मैट्रिक्स बी को अगर मुझे ऐड करना है, तो मैट्रिक्स बी का भी जो मैट्रिक्स बी जो है, बी को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, बी क्या है, इट इज़ बी आई जे ऑफ ऑर्डर 3 बाय 2। ये ऑर्डर और ये ऑर्डर मैच करेगा तभी हम दोनों को ऐड कर पाएंगे, राइट। तो फॉर एडिशन
हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैट्रिक्स आ जाएगी। सो विल बी गेटिंग अ रिजल्ट एज अ मैट्रिक्स सी दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ए एंड बी, और इसका ऑर्डर भी वही होगा। अगर इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 3/2, तो जो सी आएगी उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 3/2। चेक कर लेते हैं। हमने कहा इसका ए जो है, वी आर डिफाइनिंग अ मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है 3/2, तो लेट अस से 1, 0, 2 एंड 2, 3, 4, ये मैट्रिक्स ए हो गया। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 एंड 2, 3/2। मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी हमने डिफाइन कर दी, लेट अस से 2, 1, 3, 4, 5, 6, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/2। हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, तो मैट्रिक्स को ऐड कर दें दोनों को, तो ये हो गया 1, 2, 0, 3, 2, 4। इस मैट्रिक्स को हमने ऐड किया किस मैट्रिक्स से, 2, 3, 5, 1, 4, 6, इससे ऐड किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट एक मैट्रिक्स आएगी सी। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स आ गई सी। इसके जो एलिमेंट्स आएंगे, इट विल बी द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। अब वन क्या होगा, 1 2 के साथ ट्रीट होगा, 1 + 2 इट विल गिव मी 3, राइट। सिमिलरली 2 को हम ट्रीट करेंगे 1 के साथ, 2 + 1 3, 0 + 3 दैट विल गिव मी 3, 3 + 4 इट विल गिव मी 7, 2 + 5 इट विल गिव मी 7 एंड 4 + 6 इज इक्वल टू 10। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 1 को हम ऐड करेंगे 2 के साथ, इस 2 को हमने ऐड किया 1 के साथ, इस 2 को हमने ऐड किया 5 के साथ, इस 4 को हमने ऐड किया 6 के साथ, 0 को ऐड किया 3 के साथ और 3 को ऐड किया 4 के साथ, करेक्ट। तो ऑर्डर शुड रिमेन द सेम। ओके, अब और प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, तो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, अगर किसी स्केलर वैल्यू से, कॉन्स्टेंट वैल्यू से मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मेरा जो पूरे सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं, वो सारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स क्या होंगे, उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देख लेते हैं इसको। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, अगर एक मैट्रिक्स है ए, और ए जो मैट्रिक्स है इसे हम डिफाइन कर लेते हैं, लेट अस से इट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मुझसे पूछा है कि फाइंड करें 5A, तो 5A क्या होगा, सारे एलिमेंट जो हैं 1, 2, 3 और 4, 5, 6, ये सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, दे ऑल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5। राइट, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा, इट विल बी 5, इट विल बी 20, इट विल बी 10, ये आ गया 25, ये आ गया 15 और ये आ गया 30। राइट, ऑर्डर वही रहेगा, मल्टीप्लाई किया स्केलर से। तो अगर इसका ऑर्डर है हमारे पास क्या है, इट्स का ऑर्डर 2/3, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, इट इज ऑल्सो 2/3। दो रो हैं और 3 कॉलम हैं, करेक्ट। तो ये हुआ हमारे पास, हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे स्केलर से। सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की, अगर हमने किसी मैट्रिक्स को, लेट अस से वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए, और ए मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस से, सो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा, इट इज़ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स -1 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा नेगेशन मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इट इज मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मतलब एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट, इसका ऑर्डर है 2/2। अब मैंने क्या किया, आई वॉन्ट नेगेशन ऑफ ए, तो माइनस ए क्या होगा, मैं हर किसी एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। माइनस ए का मतलब सिंपल सा है
ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4। करेक्ट, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ऑर्डर का हमने कुछ किया ही नहीं है। इट इज़ अब ऑर्डर 2 बाई 2, राइट। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है। अच्छा, डिफरेंस का मीनिंग क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग है, अगर हमें दो मैट्रिसेस का डिफरेंस निकालना है, हमें कुछ दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और उन दोनों का हमें निकालना है डिफरेंस, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि मुझे करना है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ए माइनस बी हो सकता है और जो रिजल्ट आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी, ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर ऑफ ए बी सी आर सेम, ठीक है, इनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और देखो यहाँ पे जो ए माइनस बी लिखा हुआ है, इट इज़ सिंपली कि ए में मैंने ऐड कर दिया कौन सा मैट्रिक्स, माइनस बी मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसे यहाँ पे लिख लिया हमने 2 3 4 5 6 7, और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 1 0 3 2 1 5। तो मुझे क्या करना है, मुझे करना है ए माइनस बी, सो दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, ए में माइनस बी को ऐड कर दूंगा, राइट। अगर मैं माइनस बी करना चाहता हूँ तो यहाँ से मेरा माइनस बी क्या आ जाएगा, माइनस बी, नेगेट कर दूंगा सारी वैल्यूज़ को, तो -1 0, -3, -2, -1, -5, राइट। इसमें मुझे ऐड करना है क्या, ए, तो ए क्या आ गया, ए तो मुझे दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7, और मुझे इसमें ऐड करना है माइनस बी, और माइनस बी के एलिमेंट्स क्या हैं, -1 0, -3, -2, -1, -5, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। सो 2 विल बी एडिड टू -1, 3 विल बी एडिड टू 0, एंड 4 विल बी एडिड टू -3, और नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। तो जो सी आ जाएगा 2 -1 1, सॉरी 2 प्लस -1 1, 3 प्लस 0 0, 4 -3 1, 5 -2 3, 6 -1 5, एंड 7 -5 2। तो हमारे पास एक ही मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका ऑर्डर है 2 बाई 3, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा जो डिफरेंस है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, जब हम मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, दो मैट्रिक्स को हमने ऐड किया। अच्छा, कितनी मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, पर जो ऑपरेशन होंगे वो तो हमारे पास क्या होगा, ऑपरेशन में दो मैट्रिक्स एक बारी में ऑपरेट करेंगे आप। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, पहला है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ, एडिशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ मैट्रिक्स एडिशन में, ये हम मान के चल रहे हैं ए प्लस बी तभी ऐड होंगी जब ये दोनों क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे। तो बी प्लस ए, इनका पोजीशन मैटर नहीं करेगा किसमें, एडिशन में। सिमिलरली एडिशन में ये मैटर नहीं करेगा, ठीक है, हम एडिशन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैट्रिक्स एडिशन की, और चीज़ें हम नेक्स्ट लेते हैं अभी। तो ये हो गया, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएट करना है हमको, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास मैट्रिक्स दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने पहले ऑपरेट किया ए प्लस बी को, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्टेड मैट्रिक्स, यहाँ से भी एक मैट्रिक्स इसी ऑर्डर का आएगा। इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस कि मैं ए में ऐड कर दूँ बी प्लस सी का रिजल्ट, पहले मैंने बी और सी को ऑपरेट किया, यहाँ से मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया सेम ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ए है, तो ये परमिसिबल है। थर्ड केस है, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी होती है, यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि मैं
अगर मैं नंबर्स की बात करूं, अभी हम मैट्रिक्स पे आ जाएंगे, मैं कह रहा हूँ टू में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आए टू में मैं क्या ऐड करूं कि जो रिज़ल्ट आ जाए वो टू ही आ जाए, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगा, इट इज़ नल मैट्रिक्स और अ ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए में मैंने एक नल मैट्रिक्स को ऐड किया, ज़ीरो मैट्रिक्स को ऐड किया, माई रिजल्ट इज़ ए। ओके, ऐड करते हुए क्या होना चाहिए, ये जो नल मैट्रिक्स है इसका दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, वो तो हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में पढ़ लिया है। और जो फोर दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब, अगर हम पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं फिर उसे हम यहाँ पे मैप कर देंगे। मैंने कहा एक नंबर है टू, मैं उसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए ज़ीरो, तो मैं टू में -2 ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा ज़ीरो। एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स के केस में सेम है, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं इसमें क्या ऐड करूँ कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो आनी चाहिए ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, तो मैं इसमें -A ऐड कर दूंगा, तो जो मेरा -A है इट इज़ एडिटिव इनवर्स। तो मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और मुझे बोल रखा है ये एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5, और इसका आप एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब सिंपल सी बात है कि -A निकालिए। तो -A क्या हो गया, -2, -3, -4 एंड -5, करेक्ट। तो ये तो प्रॉपर्टी ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमने ये देखा, कोई भी अगर हमारे पास सम दे रखा है, हमारे पास A+B मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इसको अगर मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया K से, तो माई रिजल्ट विल बी KA+KB। ठीक है, अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया अपनी मैट्रिक्स A और B के रिजल्ट को, तो क्या होगा, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, किसका, 5A+5B, इट इज सेम। ठीक, अच्छा ये जो वैल्यू है मेरे पास, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे A+B × 5, ये सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है, स्केलर चाहे यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, मीनिंग इज सेम। इसका मीनिंग भी यही है, 5A+5B, करेक्ट। तो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ मैं बुक से ले रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 8, 4, 3, और यहाँ दिया हुआ मेरे को 0, -2, 6, और मुझे एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, और उसका एलिमेंट्स दे रखे हैं 2, 4, -5 एंड -2, 2, 1। राइट, हमें करना क्या है, हमें मैट्रिक्स एक्स निकालना है, एक्स इज अननोन, सच दैट 2A+3X इज इक्वल टू 5B। तो कैसे करेंगे, इसे ऐसे देख सकते हैं, 3X कितना हो जाएगा, 3X हो जाएगा 5B-2A, तो X कितना हो जाएगा, X हो जाएगा 1/3 × 5B-2A। राइट, 5B, 5 में यहाँ लिख देता हूँ, 5B कितना हो गया, ये B है, तो B में हर किसी एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5 2 10 -10, 5 4 20, 5 2 10 -25 एंड 5 5। राइट, यहाँ लिखते हैं 2A, या -2A कर देते हैं, तो -2A कितना आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर किसी एलिमेंट को A के, तो -16, 0, -8, -6, 4 और -2 × 6, -12। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आया 5B+-2A, और उसे फिर 1/3 कर देंगे उसका। तो ऐड करने की कोशिश करते हैं, 10 -16, 10 -16 -6, -10 + 0 -10, 20 -8 12, 10 -4, सॉरी 20 -8 कितना हो गया, 12,
10 + 4 = 14, चूंकि तो एडिशन है ना, हमने माइनस से तो यहाँ किया मल्टीप्लाई, -25 + -6 - 31, 5 में ऐड कर दिया -12 को, तो ये आ गया -7, और इसके आगे हमने क्या कर दिया, 1/3 कर दिया इसका, बिकॉज एक्स को हमने ऐसे ही माना हुआ था। तो या तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको, या हर किसी एलिमेंट के नीचे आप से डिवाइड कर दीजिए 3 से, राइट। तो इट इज़ सिमिलर टू राइटिंग, ये हो जाएगा -2, ये एलिमेंट आ जाएगा -10/3, ये एलिमेंट आ जाएगा 4, ये एलिमेंट आ जाएगा 14/3, ये एलिमेंट आ जाएगा -31/3, और ये एलिमेंट क्या आ जाएगा -7/3। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया एक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाना चाहिए, ओके। तो और जो कंसेप्ट्स होंगे दैट विल टेक इन नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।